दोस्तों श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के साथ थे, पूरे युद्ध में साथ थे, फिर भी अर्जुन को अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ा। वो चाहते थे एक चुटकी में युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा अगर मैंने ये युद्ध खत्म कर दिया तो फिर ये कभी भी बड़ा योद्धा नहीं बन पाएगा। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, हाय मेरा सीनियर तो मेरा साथ ही नहीं देता है, वो तो कहीं और ही लग में बिजी है, मेरा सीनियर तो मेरे से बात ही नहीं करता ढंग से, मेरा सीनियर तो मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोलता है। तो सीनियर के भरोसे आपने किया था क्या? पैसे आएंगे तो सीनियर को तो नहीं दोगे ना आप, पैसे आएंगे तो आप रखोगे, सीनियर को तो पूछोगे अपने उस टाइम कि भैया ले लो 2-4 रुपये, मतलब 2-4 हज़ार ले लो, नहीं पूछोगे ना। तो जब पैसे देने टाइम नहीं पूछोगे तो अभी क्यों पूछ रहे हो? अभी खुद ही मेहनत करो, खुद ही आगे बढ़ो। खुद आगे बढ़ने से पैर मजबूत होते हैं, दूसरों के सारे आगे बढ़ोगे ना कुछ नहीं मजबूत होगा, सिर्फ किस्मत की लकीरें मजबूत होती रहेंगी। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे कब हो जाएगा कब हो जाएगा कब हो जाएगा, ऐसे मत करो। चाहते तो एक मिनट में युद्ध ख़त्म कर सकते थे ना, फिर भी उन्होंने नहीं किया, करने दिया, अर्जुन को लड़ने दिया। वैसे ही आप भी लड़ो ना जाकर फील्ड में। दोस्तों सीनियर को करना ही होता तो खुद ही कर ले तो आपको क्यों ज्वाइन करवाता? आपको मजबूत होना पड़ेगा दोस्तों। टिके रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो टिके रहना जरूरी है तभी आगे बढ़ पाओगे। टिकने का मतलब वो नहीं कि पेड़ की तरह जम जाओ, टिके का मतलब कि कुछ भी हो जाए आर या पार खड़े रहना है मुझे तो, लेकिन सीखते सीखते खड़े रहना है। दो तरीके के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होता है जी मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 5 साल से मेरा कुछ नहीं हुआ। एक होता है 5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 5 साल से मैंने ये अचीव कर लिया। कैसे कर लिया? जो 5 साल से कर रहा था उसका कुछ नहीं हुआ, पता है कौन था? वो कर तो रहा था लेकिन सीख नहीं रहा था, वो कर रहा था लेकिन सीख नहीं रहा था। और जो 5 साल में सब कुछ अचीव कर लिया, वो कर भी रहा था और सीख भी रहा था और सिखा भी रहा था। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, नेटवर्क मार्केटिंग का 3 सिद्धांत होता है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ और ऑटोमेटिक वो करते करते लोग सीख जाएंगे आपको देखकर। तो दोस्तों ये चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक कुआं है, कुएं को जितना गहरा खोदोगे उतना मीठा पानी निकलेगा, लेकिन उसके लिए सक्षम तो बनो। पहले कुआं खोदने की मशीन से लाओ, तुम तो हाथ से कुआं खोदने लग गए हो, तो हाथ से कुआं खोदने से क्या पानी निकलेगा? हाथ उंगली निकल जाएगी, पानी तो नहीं निकलेगा, नाखून निकल जाएंगे जरूर लेकिन उंगली पानी नहीं निकलेगा। तो मशीन लाओ, मशीन लाकर कुआं खोदो तो पानी निकलेगा मीठा मीठा। तो नेटवर्क मार्केटिंग उसी तरीके से है, लोग तो उंगली से खोद रहे हैं, लोग अपना सिर्फ किस्मत आजमा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ किस्मत आजमा रहे। हो गया तो ठीक है, कोई बंदा मिल गया काम करने वाला तो मेरा लेवल हो जाएगा। अरे खाक लेवल होगा तुम्हारा, एक लेवल हो जाएगा, 2 लेवल हो जाएगा, 3 लेवल हो जाएगा, कितना लेवल करेगा वो बंदा? एक टाइम पे तो आप वो जाके रुकेगा ना, और हर पत्ती का एक दिन होता है, पतझड़ आएगी फिर नया पत्ता लगेगा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को तना बनाओ और तने के आसपास पत्तियां लगाओ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने टीम में जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक कीप इन टच।